नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। दिल्ली में शुरू हुआ देश का पहला प्लाज्मा बैंक, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। एसबीआई ने बदले एटीएम से पैसे निकालने के नियम, बताएंगे विस्तार से। देश में जल्द दौड़ेंगी 151 निजी ट्रेनें, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साझेदारी के लिए मंगवाए आवेदन। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल में मानसून की पहली बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। मोहाली में युवक की खुदकुशी के बाद सदमे में आई महिला दोस्त ने भी फंदा लगा कर दी जान। पानीपत में अधूरे रह गए कूड़ा डंपिंग ग्राउंड का खामियाजा भुगत रही जनता, दिखाएंगे विस्तार से। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आईएमटी सोहना व खरौदा में 4000 से अधिक प्लांटों में आवंटन का कार्य शुरू। सितंबर के पहले हफ्ते में रोहतांग टनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। दिल्ली में वीरवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू हो चुका है। कौन कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, केजरीवाल ने डिटेल में बताया, जरा देखिए। आज से दिल्ली में प्लाज्मा बैंक शुरू हो रहा है। कोरोना के इलाज के लिए ये शायद देश का पहला प्लाज्मा बैंक है, लेकिन ये प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आगे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे। जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। इसकी एलिजिबिलिटी बड़ी सख्त है, कौन लोग प्लाज्मा दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोरोना हुआ होना चाहिए, बीमारी हुई हो, आप बीमारी से ठीक हो गए हों और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो गए हों, आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, आपका वजन 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। महिलाएं जो जिंदगी में कभी भी एक बार भी कभी प्रेग्नेंट हुई वो नहीं दे सकती। जो लोग जिनको शुगर की बीमारी है और जो इंसुलिन लेते हैं, या जिन लोगों की शुगर स्टेबल नहीं है वो नहीं दे सकती। जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है या बीपी 140 के ऊपर है वो नहीं दे सकते। जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं वो नहीं दे सकते। जिनको क्रोनिक किडनी, हार्ट, लंग या लिवर की बीमारी है वो नहीं दे सकते। एसबीआई ने अपने एटीएम निकासी नियमों में बदलाव किया है। इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। कोरोना महामारी के कारण वित्त मंत्रालय ने छूट दी थी कि 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा। एसबीआई ग्राहकों को पता होना चाहिए कि इसके आगे नहीं बढ़ाया गया है। रेलवे के निजीकरण की चर्चाएं तो देश में पहले भी हुई हैं और यह सच होता दिख रहा है, क्योंकि रेल मंत्रालय ने निजीकरण के लिए साझेदारी के लिए आवेदन मंगवाए हैं, जिसके तहत 151 निजी ट्रेनें जल्द चलेंगी। देश में सिटी ब्यूटीफुल के नाम से प्रसिद्ध चंडीगढ़ शहर में वीरवार को मानसून की पहली बारिश छमाछम हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिली है, किंतु सड़कों पर खड़ा पानी लोगों के लिए बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आया है। बुधवार को मोहाली के फेस 11 थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय युवक साहिल कुमार ने फंदा लगाकर खुदकुशी करने के बाद वीरवार को उसकी महिला मित्र ने भी फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। लड़की की पहचान 26 वर्षीय प्रज्ञा के रूप में हुई है और मूल रूप से जमशेदपुर यानी झारखंड की रहने वाली है। डंपिंग ग्राउंड के चलते अब वहां रह रहे आसपास के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कूड़ा डंपिंग ग्राउंड लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। कूड़ा डंपिंग ग्राउंड से कूड़ा उठकर खेतों में जाता है, वही बारिश में डंपिंग ग्राउंड का मलबा सड़क पर आ जाता है। भैया गंदगी तो है खेतों में, जमींदार सब परेशानी से। अच्छा। कोई अफसर तो सुने नहीं रहा, सारा कोई नहीं सुन रहा। जो ये नगर पालिका सुमाड़खा में, सुमाड़खा नगर पालिका क्षेत्र का कूड़ा कचरा डालने के लिए बापरा वार्ड नंबर 2 में एक जगह निश्चित की हुई है, जहाँ पर सारे सुमाड़खे का कूड़ा कचरा डाला जाता है। लेकिन इस कूड़े की वजह से आसपास आप देख सकते हो चारों तरफ किसानों के खेत हैं। इस कूड़े की वजह से हमारे आसपास के किसानों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ की जो पनियाँ हैं उड़ उड़ कर खेतों में जा रही हैं, किसान अपनी काश्त नहीं कर पाता, समय पर पानी नहीं दे पाता था, क्योंकि पनियाँ हैं, ये गलती तो है नहीं। और ऊपर से जो बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश के मौसम में सारा मलबा आधा तो ये सड़क पर आप देख रहे हो, इधर दिखाओ तो ये एक गड़ी छाजू रोड है, मालपुर रोड है, लोगों का आना जाना रहता है, सारा मलबा सड़क पर आ जाता है आसपास।
हरियाणा राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने व युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा IIT सोहन व IIT खरखोदा में 4000 से अधिक प्लॉटों के आवंटन का कार्य चल रहा है और इन औद्योगिक प्लॉटों के लिए IIT मानेसर में 1500 एकड़ भूमि पर खरखोदा में 3000 एकड़ भूमि ली गई है। ये जानकारी बुधवार को चंडीगढ़ में HSIITC के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने जापानी कंपनियों के साथ भारत के उत्तरी राज्यों में निवेश के अवसर पर वेबिनार में हरियाणा की तरफ से दी। पीएम नरेंद्र मोदी सितंबर के पहले हफ्ते में रोहतांग टनल का उद्घाटन करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने यह जानकारी मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। सीएम ने गुरुवार को मंडी में करीब 5 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।